गुड आफ्टरनून। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज पुलिस डायरी एंड पुलिस रिपोर्ट। सो बेसिकली पुलिस डायरी सेक्शन 172 सीआरपीसी में होता है और पुलिस रिपोर्ट सेक्शन 173 सीआरपीसी में होती है। पुलिस डायरी इज द डेली डायरी विच इज ऑल्सो नोन एज केस डायरी ऑफ द पुलिस ऑफिसर। ये कैसी डायरी होती है जिसको पुलिस ऑफिसर अपने पर्सनल रेफरेंस के लिए, अपने असिस्टेंस के लिए मेंटेन करता है। दिस डायरी कंटेन्स द डिटेल्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन की इन्वेस्टिगेशन किस टाइम स्टार्ट हुई है, किस टाइम एंड हुई है, इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ऑफिसर कहाँ कहाँ गया, किस किस के स्टेटमेंट्स लिए हैं एटसेट्रा। ये सारे जॉटिंग्स पुलिस ऑफिसर अपनी डायरी में लिखता है एंड दैट डायरी इज नोन एज पुलिस डायरी। ये जो डायरी होती है इट इज़ नॉट अ सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस। अक्यूज कैन नॉट क्लेम द स्टेटमेंट्स ऑफ दोज ऑफ दैट डायरी। अक्यूज के लिए ये डायरी जो है इट इज़ नॉट ऑफ एनी पर्पस, यूजफुल नहीं होती है उसके लिए। इट इज़ जस्ट फॉर द पर्सनल यूज ऑफ द पुलिस ऑफिसर। अक्यूज जो है उस डायरी को क्लेम नहीं कर सकता है कि ही वॉन्ट्स टू सी द डिटेल्स ऑफ द पुलिस डायरी। ऑल राइट, बट अगर कोर्ट ने उस डायरी को यूज़ किया है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए, या फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने यूज़ किया है किसी विटनेस को देने के लिए टू रिफ्रेश द विटनेसेस मेमोरी, तो इन दो केसेस में अक्यूज्ड भी उस डायरी के लिए मांग सकता है फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 161 एंड 145 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। So that is about police diary. A police report. Police report और जिसको हम चार्जशीट भी बोलते हैं, पुलिस रिपोर्ट जो होती है इट इज़ द रिपोर्ट विच कंटेन्स द समरी ऑफ द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस एंड द फाइनल नोट ऑफ द पुलिस ऑफिसर। सो पुलिस रिपोर्ट जो है वो या तो पॉजिटिव पुलिस रिपोर्ट हो सकती है जिसमें इट इज स्टेटेड दैट द अक्यूज्ड हैज़ कमिटेड द ऑफेंस एंड इट द अक्यूज्ड मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 170, या फिर ये एक नेगेटिव पुलिस रिपोर्ट हो सकती है जिसमें ये मेंशन होगा कि द अक्यूज्ड हैज नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस एंड ही मस्ट बी रिलीज्ड अंडर सेक्शन 169 ऑफ सीआरपीसी। सो पुलिस रिपोर्ट या तो पॉजिटिव होगी या तो नेगेटिव होगी। पुलिस रिपोर्ट के अंदर सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि अक्यूज्ड की डिटेल्स, इन्फॉर्मेंट की डिटेल्स, ऑफेंसेस क्या क्या चार्जेस बनेंगे उसकी डिटेल्स, कहाँ कहाँ पे किस किस को इन्वेस्टिगेट किया है उसकी डिटेल्स, सारे के सारे जो मेडिकल टेस्ट हुए हैं एक्सेट्रा उसकी डिटेल्स, द स्टेटमेंट्स ऑफ वेरियस पर्सन्स टेकन अंडर सेक्शन 161 उसकी डिटेल्स, सारी डिटेल्स पुलिस रिपोर्ट के अंदर होनी चाहिए। तो अगर पुलिस रिपोर्ट में चार्जेस मेंशन्ड है कि द अक्यूज्ड हैज कमिटेड एन ऑफेंस अंडर दीज चार्जेस, उसको बोलते हैं चार्जशीट, उसको बोलते हैं चार्जशीट। अब कई बार ऐसा होता है कि पुलिस ऑफिसर ने अपनी पुलिस रिपोर्ट दे दी है बट पुलिस रिपोर्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करने के बाद उसको ये रियलाइज होता है कि पुलिस रिपोर्ट तो मैंने दे दी है बट कुछ फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी करने की ज़रूरत है इसमें। तो इस केस में सेक्शन 173 क्लॉज 8 अप्लाई होगा, मतलब पुलिस ऑफिसर फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, पुलिस रिपोर्ट देने के बाद भी अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू कर सकता है और एक फाइनल पुलिस रिपोर्ट आफ्टर द फर्दर इन्वेस्टिगेशन वापस से देगा वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, उसे बोल देंगे हम या तो सप्लीमेंट्री चार्जशीट या फिर सप्लीमेंट्री पुलिस रिपोर्ट। ऑल राइट, तो दैट इज ऑल अबाउट पुलिस डायरी एंड पुलिस रिपोर्ट। फॉर द होल लेक्चर प्लीज फॉलो legalflag.com एंड इफ यू लाइक द वीडियो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।